नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में बदलाव के बाद राजस्थान कांग्रेस और सरकार में बदलाव के लिए मुहिम तेज हो गई है। सोनिया के दूत बनकर के पहुंचे अजय माकन और केसी वेणुगोपाल लौट आए हैं। फिर दूसरे दौर के लिए अजय माकन पहुंचने वाले हैं, जहां पे वो विधायकों से रायशुमारी करेंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए अब छत्तीसगढ़ सिरदर्द बन रहा है। वजह यह है कि वहां पे कहते ये हैं कि पर्दे के पीछे नवंबर दिसंबर 2018 में जीत के बाद ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के लिए समझौता हुआ था। हालांकि औपचारिक तौर पे इसका कोई ऐलान नहीं हुआ था। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, जिन्हें टीएस बाबा भी कहा जाता है और जो वर्तमान में वहां के स्वास्थ्य मंत्री है, ढाई साल पूरे होने के बाद भूपेश बघेल जब कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए आए तो उन्होंने कह दिया था कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, बाकी कांग्रेस हाईकमान जो कहेगा वो मानेंगे। बस यहीं से विवाद बढ़ चला। टी एस सिंहदेव को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, सत्ता मिली तो ये समझौता हुआ, लेकिन अब वो समझौते से पीछे हट रहे हैं, या ये कह सकते हैं समझौते की जगह सहमति से पीछे हट रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है तो दोनों तरफ से दांव पे चले जाते हैं। इसी बीच 24 जुलाई को जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंबिकापुर में जब वो गए थे तो उनके काफिले पे पथराव हुआ, एक गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, जो कि सचिन सिंहदेव, जो टी एस सिंहदेव के भतीजे हैं, वो उन्होंने किया। और साथ में ये भी आरोप लगा दिया कि यदि टी एस सिंहदेव मुझे मरवा करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें मुबारक हो, टी एस सिंहदेव मुझे मरवा सकते हैं, और पुलिस में भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी। इसके बाद टी एस सिंहदेव यानी टी एस बाबा ने कहा कि मैंने तो खुद एसपी को फ़ोन करके मामले को दिखवाने के लिए कहा है, ये सब कुछ सही नहीं है, जो सही है वो बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने इशारा ये किया कि मुख्यमंत्री के लिए जो लामबंदी चल रही है उसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन वो इशारों में बोले। बृहस्पति सिंह जो भूपेश बघेल हैं उनके कट्टर समर्थक हैं, और उन्होंने ये बोल दिया था कि भूपेश बघेल 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लिहाजा ये मुख्यमंत्री की जो लड़ाई चल रही है उससे ऑटोमेटिकली विवाद जुड़ रहा है। अब इसी बीच सोमवार से यानी कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। जब वहाँ पे ये संकट शुरू हुआ तो भागे भागे पीएल पुनिया वहाँ के प्रभारी हैं वो वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने भूपेश बघेल से, बृहस्पति सिंह से, टीएस सिंहदेव से, तीनों से बात की। लेकिन कहते ये हैं कि पीएल पुनिया खुल करके भूपेश बघेल के साथ हैं और इसी बहाने विधायकों की लामबंदी शुरू की गई। ये बात टीएस बाबा को खल गई कि जैसे उनको विवाद में ले आ करके या उनका रास्ता रोकने के लिए एक साजिश की जा रही है जिसमें कि पीएल पुनिया, भूपेश बघेल और उनके समर्थक विधायक शामिल है। बस क्या था, सोमवार को जब सत्र शुरू हुआ तो इसको लेकर के हंगामा हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी इस मसले को भुनाना चाहेगी कि जिस सरकार में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भिड़ंत है, आपस में नहीं बन रही है, तो सरकार काम क्या करेगी। अशोक चौधरी हैं, पूर्व आईएएस हैं और बीजेपी अब नेता बन गए हैं, वो हैं, उन्होंने पहले ही वार करना शुरू कर दिया था। आज क्या हुआ कि टी एस सिंहदेव ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया, कहा कि सरकार पहले इस मामले को स्पष्ट करे, इस पर कोई स्पष्ट बयान दे और जांच का निर्देश दे। अब भूपेश बघेल के लिए दिक्कत ये हो गई है कि यदि वो जांच का कोई निर्देश देते हैं तो संभवतः जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में दम नहीं है, और यहीं पे टीएस सिंह जो है भूपेश बघेल को घेरना चाहते हैं कि आपने खामखा जो है मुझे विवाद में ले आए, काफिले पे छोटी मोटी हमले की घटना को आपने मुझसे जुड़वाया, और ये सब राजनीति में होता है। कहते हैं कि उन्होंने अगस्त के इस मानसून सेशन का बहिष्कार कर दिया है कि जब तक सरकार क्लियर कट जवाब नहीं देगी वो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और अब वो दिल्ली दरबार में दस्तक लगाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हाईकमांड से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे सत्ता की लड़ाई चल रही, किस तरीके से उनकी घेराबंदी करके बिलो बेल्ट वार किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि टीएस बाबा भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, और ये अब लड़ाई जो शुरू हुई है, बात निकली है तो दूर तलक जाती हुई सी दिख रही है, जिसमें कि पीएल पुनिया भी कहीं ना कहीं सवालिया हो रहे हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।